तो भाई आज का आर्डर लेके आपका भाई क्या हासिल है। तो सीन्स ये हैं दोस्तों कि हमने अपने चैनल पे जितनी भी डिटेल्स सारी आप लोगों को दी पहले, यकीनन कैटल फार्म से कलेक्शन आप लोगों को दिखाया 2021 का, शौकीन के आर्डलॉग्स दिखाए और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जिसमें सेल परचेज पलाई के ऊपर बताया। अब मैं और राव चाहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट करें जो अपने फैंस और फॉलोअर्स हैं। यकीनन मैंने एक ऐसी चीज़ देखी और सोची कि यार एक नई प्लेलिस्ट बनाते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम रखेंगे हम हैवी सीन्स, मतलब ऐसे हिस्ट्री मेकर्स कलेक्शन जिन्होंने 2021-22 आने वाले वक्तों में या पिछली गुजरे हुए वक्तों में, हिस्ट्री मेकर का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें थी कि वो शायद ही दोबारा रिपीट हो, तो उसके ऊपर मैं कलेक्शन दिखाऊंगा। और आज मैं बात करने आ रहा हूँ एक विलायती बछड़ा जो जिसने बहुत ज़्यादा नाम बनाया और उसकी जब पिक्चर चैनल्स पर अपलोड हुई थी, बिग बॉस नाम है उसका, बिग बॉस सूरती कैटल फार्म का ये बछड़ा है और हमारे शौकीन एक हमारे भाई हैं सिराज भाई HM गुड फार्म वाले, उन्होंने उसकी कुर्बानी की 2021 में। तो बिग बॉस आपको दिखाता हूँ दोस्तों और उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा, तो आर्डलॉग को इंजॉय करेगा। विलायती बछड़ा है हिस्ट्री मेकर बुल बिग बॉस 2021, तो फिर बिग बॉस को चेकआउट करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। शायद मेरा ये कहना गलत ना हो कि यार बिग बॉस जैसे बछड़े हिस्ट्री में शायद ही दोबारा रिपीट हो, मतलब आई थिंक हिस्ट्री डजेंट रिपीट इट अगेन। वाकई बिग बॉस जैसे काफ़ी तो नहीं मगर कुछ बछड़े पूरे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक की मैं बात करूं तो अब के फार्मर्स ने इस चीज़ को बड़ा इन्हेंस किया है कि वो ब्रीडिंग की पर्पज़ को लेकर आगे चल रहे हैं और यकीनन ऐसी ऐसी ब्रीड्स करवा रहे हैं जिनको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों असल दारोमदार ये सिर्फ शौक का है, शौक के साथ अच्छी नीयत का, और जब आपकी नीयत अच्छी हो तो भाई अल्लाह ताला आपको ऐसी हसीन चीज़ों से नवाजता ज़रूर है। तो मैंने दोस्तों ऐसी काफ़ी ब्रीड्स देखी हैं जिनको आप अगर आप रियल देखें कि यार इनके पेरेंट्स ये हैं और क्या ब्रीड हुई है, तो लड़कों ये सारा दारोमदार नीयत का है। खैर जब बिग बॉस की पहल पिक्चर हम सब PG सर ने अपने चैनल पर लगाई तो ज़्यादातर ऑडियंस के कमेंट यही थे रियल और फेक, क्योंकि हमने विलायती बछड़े बहुत देखे और विलायती बछड़ों में शौकीन बहुत कम है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद देसी इस तरीके की ब्रीड्स को पसंद करता हूँ, विलायती और मेल के बछड़ों में बहुत कम, मगर बिग बॉस ने अपने रियल अट्रैक्शन के ज़रिए इस बार शौकीनों को इतना अट्रैक्ट किया कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतना बड़ा बछड़ा वो भी इतना खूबसूरत। जब पिक्चर लगी तो रियल और फेक के कमेंट्स आना शुरू हुए हम जब पेजेस वालों के पास, तो हमने ये प्लान किया कि जब हम लाइव सेशन करेंगे तो जिस बंदे के साथ हमने इसकी पिक्चर अपलोड की थी अपने चैनल पे हम उसी के साथ ऑन लाइव दिखाएंगे। और जब हमने बिग बॉस को लाइव दिखाया और पब्लिक का जो फीडबैक मिला सुपर्ब यार, मतलब लाइव में हमारे बिग बॉस ने शान लगा दी। हमने अपनी ऑडियंस को ग्रैब करके रखा सिर्फ बिग बॉस के नाम पर कि भाई थोड़ा वेट करें, बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस नॉट कमिंग स्लो। तो बस CC के लाइफ में बिग बॉस ने बड़ा सपोर्ट किया हम सबको। खैर दोस्तों मैंने बात की ऐसे कि इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर को लेके हमारे काफ़ी फार्मर्स ब्रीडिंग को इन्हेंस कर रहे हैं और अल्लाह ताला से मुझे अच्छी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हमारे फार्मर्स अपने प्रोजेक्ट्स को लेके कामयाब हों और अल्लाह ताला सबको एक अच्छी अच्छी ब्रीड से नवाजे, ऐसी अच्छी चीज़ों से, रियल चीज़ों से, कि आने वाले वक्तों में कुर्बानी भी आसान हो और हम अच्छे ब्रीडिंग पर्पस पे लेके चलें अपने पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाएं कि असल शौक असल शौकीन यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर करिए। खैर दोस्तों सूरती का स्लोगन है कि शौकीन होते हैं शौक की जगह पर, तो ये भी रियल ब्रीड रियल शौकीन ने ख़रीदी हमारे सिराज भाई ने अपनी कुर्बानी पे। सिराज भाई HM गुड फार्म के ऑनर हैं माशाल्लाह और बिग बॉस उन्होंने जब लिया और यकीनन जब घर पर ले गए तो एक और हिस्ट्री मेकिंग सीन क्रिएट हुआ। बिग बॉस सबसे बड़े ट्रक में मौजूद था और भाई इसको उतारना बहुत मुश्किल। अब आप चेक करो इस वीडियो के ज़रिए कि बंदे हर एंगल से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस को, मगर वो अपने वजूद और अपने लंबाई और अपनी हाइट की वजह से ट्रक में घूम भी नहीं पा रहा सही। आप सबके सामने है कि लड़के कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं मगर बिग बॉस घूमने का नाम नहीं ले रहा। खैर दोस्तों रियल चीज़ रियल शौकीनों पर अच्छी लगती है और माशाल्लाह सूरती ने जिस तरीके की फाइनेंस ब्यूटी का कलेक्शन हर साल की तरह हमेशा ही अपने फार्म पे रखा है शौकीनों के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की अगर सूरती की पलाई को लेके मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरती ने हमेशा टॉप ऑफ द लाइन कलेक्शन रखा है और रियल चीज़ों पे ही वर्कआउट किया है। मुझे उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि सूरती का फार्म हमेशा शौकीनों के लिए ऐसी ही रियल चीज़ों पर वर्कआउट करता रहे और शौकीनों का शौक करवाए। खैर दोस्तों सीन्स तो ये है
कि अपन लोगों ने कर दिए इतनी लंबी और बिग बॉस फिर भी अभी तक नहीं उतरा। मतलब बाबू शोना अब हल्का नहीं लेना, बिग बॉस नॉट कमिंग स्लो। माशाल्लाह भाई तकरीबन आधे से पौन घंटा लगा और आपका भाई इस चीज़ को लेकर सोच रहा है काश मैं इसको लाइव अनलोडिंग दिखाता और जो तफरी आती ना, मतलब ऑडियंस का जो मज़ा आता तो बस एंड हो जाता। खैर लड़कों ने बड़ी मेहनत की, मतलब बड़ी जद्दोजहद की, देख रहे आप, घुमाने की कोशिश की मगर बिग बॉस नहीं उतर पाया। तो भाई एंड में सीन ये हुआ कि इसको उल्टा उतारा गया और फिर ये उल्टा उतर गया। उसका क्लिप तो मैं मौजूद ये है सिराज भाई जिन्होंने बिग बॉस की कुर्बानी की। अल्लाह पाक सिराज भाई की कुर्बानी कबूल तो फरमाए और हम सब शौकीनों को तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसी रेयर चीज़ कुर्बान कर सकें। दोस्तों मेरे प्लान तो था कि मैं सिराज भाई घर पर भी जाके शूट करूँगा मगर टफ टाइम की वजह से मैं जा नहीं पाया। खैर दोस्तों ये आर्डलॉग यहीं पैंड करूँगा। 2021 का हिस्ट्री मेकिंग बुल बिग बॉस अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो चुका है। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब शौकीनों को ऐसी ऐसी रेयर चीज़ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों इस आर्डलॉग को यहीं एंड करते हैं। बिग बॉस हैवी सीन का पहला चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर में इंशाल्लाह आपको दुल्लुल लेके राव प्रेजेंट करेगा। हाँ भाई लड़कों, सबसे पहले तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का आर्डलॉग आप लोगों को कैसा लगा, मतलब बिग बॉस कैसा लगा, और इसी के साथ जो राव और एसवी का आइडिया था हैवी सीन्स वाला ये भी कैसा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सी नायाब चीज़ें थी इस साल भी 2021 में, जैस्मीन, दुल दुल, बटरफ्लाई और बिग बॉस, मंतशा आई थिंक एक बछड़ा था, मीनारे पाकिस्तान था, ऐसे काफ़ी सारे कलेक्शन थे जो वाकई हिस्ट्री मेकर थे। मैं अगर नाम गिनना शुरू करूं तो ऐसे बहुत से कलेक्शन थे। दोस्तों ऐसे कलेक्शंस की एक अलग प्लेलिस्ट होनी चाहिए हमारे आर्डलॉग चैनल पर जिनको हम हैवी सीन्स दें, क्योंकि वाकई ये बहुत ही हैवी। दोस्तों ये आर्डलॉग नंबर वन था हैवी सीन का। इंशाल्लाह ऐसे ही और भी आप लोग ही लेके भाई लोग हाजिर होंगे। ये लड़कों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्डलॉग में। आज के लिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।